ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? गाइस आई होप आप सब लोग बढ़े होंगे। तो गाइस आप सबको ना सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि गाइस हमने मेरे 600 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दिए, उसके लिए गाइस थैंक यू। अब गाइस हमारा नेक्स्ट टारगेट है 1K, तो गाइस प्लीज़ जल्दी करा देना। और गाइस आप हमारे यूट्यूब चैनल पर मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दोगे। और गाइस आप सब लोग ना वीडियो देख के चले जाते, कोई लाइक नहीं करता, कमेंट नहीं करता। तो गाइस लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के शेयर भी करो। गाइस ऐसे कंजूसाई मत करो, इसमें जाना क्या है, आपको कुछ नहीं देगा ना। आपका 2-3 MB नेट भरेगा, मतलब जाएगा, उतना तो आप रील्स देखने में चला देते हो। तो गाइस थोड़ा इधर भी मतलब सपोर्ट कर दो तुम्हारे भाई को। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो गाइस हम बात करते हैं गेम प्ले की। तो गाइस क्या आपका रैंक पुश क्या चल रहा है मेरा बताओ? तो गाइस बहुत बुरा चल रहा है, क्योंकि गाइस स्टार्टिंग में इतनी ज़्यादा हैकर है, क्या करें, मतलब आके मार के चला जा रहा है, कुछ मतलब इधर भी किल नहीं निकलते। तो मतलब जो जिस लॉबी में हैकर नहीं आता वो गेम प्ले अच्छा जाता है, लेकिन जिस मतलब एक आध दो में ही हैकर नहीं आता, बाकी सब में हैकर आते हैं, तो पूरे गेम की माँ मतलब समझ जाओ वो हो चुकी है। तो गाइस अब बात करते हैं गेम प्ले की। तो गाइस यहाँ पे उतरे थे और यहाँ पे 2-3-4 डुओ थे, तो मेरे सामने 2 डुओ थे, मतलब सिंगल बंदा था, इनकी फाइट होती है। मैं यहाँ पे मोली डालता हूँ। अब गाइस इनकी फाइट होती है तो मैं थर्ड पार्टी कर देता हूँ यहाँ पे। अब गाइस उसका नॉक पड़ा था तो मैंने किल चोरी कर लिया, और बेचारा डीपी रिलोड करते करते अंदर आता, जिसको फिनिश कर दिया। अब पीछे बॉट था उसको मार देता। तो देखो गाइस कॉन्करर में आपको केड़ी बढ़ानी है तो बॉट मारना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बॉट नहीं मारोगे तो केड़ी भी नहीं बढ़ेगा, और कॉन्करर अभी में कोई बॉट को छोड़ेगा नहीं, तो हम भी बॉट मार देते एक। अब आगे पुश करते हैं अपन। तो गाइस मेरा टीममेट यहाँ पे एक बंदे को नॉक करता है, अब हम भी घुस जाते हैं, सीधा उड़ के जाएंगे सुपरमैन बन के। तो हम में थी शक्ति और हम उड़ गए। अब हम में थी शक्तियां तो हमने पैर मारा, हम भी हवा में उसके साथ साथ। तो ग्रेविटी काम है इसमें? ग्रेविटी गई माचुदा ने, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। तो गाइस यहां पे आके हमारी शक्तियां पूरी खत्म हो जाती है, तो हम भी एक नेड़े मारते हैं यहां पे, पहले मौली मारते हैं, क्योंकि गाइस ऐसे घुसने का कुछ फायदा नहीं है। जब आपके पास ग्रेनेड मौली से भी तो मार दो वहीं पे। अब देखो गाइस ग्रेनेड का फायदा क्या होता है। हो गया गाइस, जो मेरा टीममेट ने नॉक किया था वो फिनिश हो गया, और मतलब जो रिवाइव दे रहा था वो नॉक हो गया। तो इसको भी अपन फिनिश कर देंगे मुक्के से, पूरा स्टाइल से करेंगे गाइस। ऐसे नॉक किया तो गाइस ऐसे थोड़ी ना मार देंगे, गन से मुक्के से मारेंगे। तो गाइस यहाँ पे हमारे हो जाते 4 किल, क्योंकि गाइस यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बंदे नहीं आए थे, 2-3 ही डू आई थी जिनको मार देते हैं, और हम यहाँ से थोड़ी लूट लाट करके हम निकलेंगे यहाँ से। गाइस मैं आपको सिंपल ट्रिक या थोड़ी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, तो थोड़ा ध्यान से देखना और सुनना भी। अब देखो गाइस सिंपल सी स्ट्रेटजी है, तो अपना यहाँ से प्लान पर निकले तब आपको यहाँ से कुछ जाना है, और यहाँ पे जितने किल निकले वहाँ इतने किल निकाल दो। अगर बिना गन के आप उधर से मर जाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एटलीस्ट आपको ऑटो रिकॉल तो मिलेगा, और मतलब यहाँ पे नहीं आओगे आप तो ऑटो रिकॉल नहीं मिलेगा आपको, और फिर रिकॉल करने वाली टेंशन वाली बात रहेगी। अगर रैंडम बंदा होगा तो वो तो नहीं जाने वाला, अगर रैंक पुश करा होगा तो मेरे को पता है। कुछ रैंडम बंदे होते हैं जो अच्छे आते हैं, जो अभी मैं रैंडम के साथ ही खेलता हूँ, और बंदा बहुत अच्छा है, तो ऐसे रैंडम बंदे आते हैं। और तो गाइस डू में मैंने पहले भी बोला कि कुछ अच्छे बंदे आ जाते हैं रैंडम में, तो आप रैंडम के साथ भी खेल सकते हो, लेकिन आपको वाइज ना यहाँ पे लैंड कर लेना है। भले आपका किल ना निकले आपको ऑटो रिकॉल तो मिल जाएगा, रिकॉल करने वाली कोई बात नहीं रहेगी फिर, मतलब उसका कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो सिंपल सी स्ट्रेटजी है, आप लगाओ, अगर बंदे यहाँ पे जितने दिखे उतने मार दो, नहीं मरते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पे मरते ही आप सेफ उतरो, फिर यहाँ पे आपको रिकॉल नहीं मिलेगा फिर, तो वहाँ पे थोड़ा सेफ खेलना पड़ेगा। और गाइस आपको रिकॉल मिलेगा, लेकिन आपको ड्रैगन बॉल कलेक्ट करने पड़ेंगे 7, तो वहाँ पे भी रिस्की रहेगा थोड़ा, मतलब वहाँ पे भी बंदे कैंप करके बैठ जाते हैं। तो गाइस यही था थोड़ी कुछ टिप्स, अब गेम प्ले की बात करते हैं। तो गाइस अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मेक श्योर आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दोगे हमारे चैनल को, और कमेंट कर देना एक प्यारा सा, और कमेंट में गाइस कुछ भी लिखना, लेकिन प्यारा सा कमेंट करना। अब गाइस हम यहाँ से बॉट वॉट मार के सब निकल रहे थे, और यहाँ से निकल गए थे। तब गाइस हम ड्रोन बनता है, हम पूरा अपार्ट सब घूम के आते हैं, फिर हमको वहाँ पे नहीं बंदे मिलते, तो हम फाइनली यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे बंदे होते हैं जिनके साथ गाइस हमारी फाइट टू होती है, लेकिन नॉक नहीं निकलता। तो गाइस को यहाँ पे किसी का भी नॉक नहीं निकलता। और गाइस यहाँ पे ना थोड़ा प्रे मिस हो गया, क्योंकि गाइस वो बंदा लेटा हुआ था।
वो मेरे को इजी नॉक कर देता। अगर मैं ज़्यादा ओपन में रहा तो मैं हिलते हिलते स्प्रे दे रहा था तो थोड़ा मिस हो गया। तो गाइस हम यहाँ पे ना मतलब किसी का भी एक वो भी हमको नॉक नहीं कर पाए थे, हम भी उनको नॉक नहीं कर पा रहे थे। तो हम थोड़ा यहाँ से फाइट वो वेस्ट करके थोड़ा फाइट करके हम यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि गाइस बिना नॉक करके नहीं जा सकते, क्योंकि उनके भी आगे भी एक टीम थी जो बंदे फाइट ले रहे थे। तो मैं यहाँ से फालतू में दो नेड वेस्ट कर देता हूँ, मेरे को भी पता है कि नहीं जाने वाले। फिर भी वो चूल मचती होते ना, चूल मचती ना जो बोलते कीड़ा होता है, तो मेरे अंदर वो मतलब हो रहा था, तो मैंने फालतू में दो नेड वेस्ट कर दिए। तो गाइस हम थोड़ा यहाँ पे वेट करते, फिर कुछ होता नहीं तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ पर नॉक हो चुका होता है और मेरा टीममेट वहाँ पर मेरे को दे देता है, तो गाइस नेड आगे फटता है और मैं नॉक हुआ होता हूँ। तो अब मैं हील करता हूँ, यहाँ पे मेरा टीममेट यहाँ पे संभाल लेगा, उसका भी हेल्थ लो था, वो भी हेल्थ मारेगा। अब वो बंदा पुश कर रहा था, बस बेचारा ओपन में फंस गया और फालतू में मर गया। तो गाइस ये था फाइट में, अब अपन आगे पुश करेंगे थोड़ा। तो गाइस जोन कट जाता है और हम यहाँ जाते हैं, और नीचे थर्ड पार्टी होती है तो हम वहाँ पे सीधा पुश कर देंगे और एक ही बंदा बचता है। हम यहाँ पे तो पहले देखते हैं कि कहाँ बंदे हैं, फिर आगे फाइट होती है। तो गाइस मैं स्कोप ऑन करके देख रहा था, अभी एक बंदा नॉक होता है और वो बंदा गाइस 1v2 कर देता है। तो गाइस हम भी यहाँ पे अब स्लैम दे देंगे सीधा, अब क्योंकि एक ही बंदा बचा है तो ज़्यादा वेट करके कुछ फ़ायदा नहीं है, तो गेम को लंबा नहीं खींचना है। तो हम भी सीधा मेरे को बैठा देता हूँ, फिर अपन सीधा पुश कर देंगे और एक गाइस लास्ट किल ना उसको मिलता है। अब मैं गाइस यहाँ पे आके मॉली मारता हूँ, लेकिन कुछ होता नहीं है उस बंदे को। और मैं मेरे टीममेट को बोलता हूँ कि जा तू पूरा पीछे से फ्लैंक मार, और मैं यहाँ पे उस बंदे को कंफ्यूज रखता हूँ, तो वो पूरा पीछे से फ्लैंक मारता है और मैं भी कुछ थोड़ी यहाँ पे बकचोदी करता हूँ। एक किल मेरा ही था गाइस, लेकिन मेरे को यहाँ पे सामने बंदा दिखता है एक टाइम के लिए, लेकिन मैं मार नहीं रहा था क्योंकि मेरे आगे वॉल थी और वॉल के आर पार तो मैं मार नहीं सकता क्योंकि मैं हैकर नहीं हूँ। तो मैं यहाँ पे मॉली डालता हूँ, लेकिन गाइस मॉली इस दीवार की साइड ही गिर जाती है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी गाइस, एक ही बंदा था। तो मेरा टीममेट पूरा फ्लैंक कर चुका है और बंदे का ध्यान मेरे पे था। तो फाइनली गाइस हमारा चिकन डिनर हो जाता है, मेरा टीममेट इसको मार देता है। तो गाइस यही था आज की इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे को लाइक और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, और अगर हाँ गाइस बन के जल्दी से कर दो। तब के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।